जी आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? निष्पक्ष होकर बताना बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव सवाल मैंने किया आपसे। मैंने कांग्रेस आने की पूरी लहर है हरियाणा पंजाब में। मीडिया एक दूत की तरह होता है, जिस तरह से महाभारत में भगवान कृष्ण थे, कौरवों में जाते थे, पांडवों में जाते थे, अब कौरव पांडव कौन है जनता फैसला करेगी, लेकिन कृष्ण की भूमिका में हम इधर भी आगे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बूथ नंबर 128 अशोक कुमार। आप जरा खड़े होकर बात। हाँ जी, अशोक कुमार। हाँ जी। और कांग्रेस पार्टी से? हाँ जी, वो तो दिख ही रहा है बिल्कुल, पंजाब चुनाव शाले कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने इस जगह पर साफ स्पष्ट दिख रहा है। हाँ जी। हाँ जी, क्या लगता है अभी इस बार? हम बिल्कुल 150% जीतेंगे। चलो ये अच्छी बात है, शुभकामनाएं, एक आस होनी चाहिए। बताइए कि आपकी बूथ में कितने वोटे हैं? हमारे बूथ में 1210 हैं। कितनी पोल हो गई हैं? पोल हो गई हैं जी 50%। 50% हो चुका है यहाँ से? अच्छा, जो अंदर से मेरे बूथ से। अच्छा, हाँ आप अपने बूथ का ही बताओगे? हाँ अपने, हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं टोटल तो पता चलता है। हाँ हाँ, वो भी हम पता करके बताएंगे दर्शकों को, अंदरों में कितनी हो चुकी है वोटिंग हो चुकी है जो मेरे बूथ से है। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा जो अंदर सरकार के अरेंजमेंट हैं चुनाव आयोग के, उससे आप संतुष्ट हो? देखिए, जो चुनाव आयोग के पूछ रहा हूँ, सरकार के नहीं पूछ रहा, चुनाव आयोग भी हमारी तरह निष्पक्ष है। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, ईमानदारी से कर रहे हैं और सच्चाई से कर रहे हैं। इसमें जीत मेरी पहचान, मेरा वोट जीत तभी होगी जब वो काउंटिंग होंगी, बूथ खुलेंगे, बूथ के टिप, तो ये अभी हम अनुमान लगा सकते हैं इस बूथ में मैक्सिमम कांग्रेस के मतदाता थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप हमसे, आपसे मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो आपके पास आते होंगे, बुजुर्ग भी आते हैं और कोई कभी कभी विकलांग भी आ जाते हैं, तो उनको आप साथ लेके जाते हो, अंदर फैसिलिटी मिल रही है वो? नहीं जी, विकलांग तो आया नहीं अभी। अच्छा अच्छा, जो बुजुर्ग हैं तो आएंगे। हाँ, उनको वहाँ तक छोड़ देते हैं गेट तक, उसके बाद वो लेके जाते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी, कहाँ पर रहते हो? खटीक मंडी। हैं? खटीक मंडी। खटीक मंडी। हाँ जी। तो अब जो चुनावी पर्व हो रहा है, हाँ जी, हम सबका, हम हिंदुस्तान के सभी नागरिक हैं, हमारा पहले फर्ज ये होता है कि हम जो वोटे परसेंटेज कम है उसको ज्यादा से ज्यादा लेकर आए, क्योंकि आपकी मुझे वेशभूषा से लग रहा है कि आप जुझारू लग रहे हो मुझे। हम तो बदलाव चाह रहे हैं जी। नहीं, बदलाव तभी होगा जो वोटे पड़ेगी, जो वोटे ही पड़ी, बदलाव क्या होगा? तो ये भी फायदा, वोटे भी बदलाव ना, जो घरों में लोग बैठे हैं उसके लिए क्या अरेंजमेंट किया है? हमने घर से वोटे ले जा रहे हैं, वहाँ डलवा रहे हैं, जो बुजुर्ग है उनको अपने रिक्शे पे बैठा के ले जा रहे हैं, उनको घर छोड़ने जा रहे हैं, और जैसे हर अच्छा अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, अगर कोई बुजुर्ग ये नहीं बताता मैं वोट किसको डालनी है, उसको भी बैठा के लेके जाते हो कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ता? नहीं, हम सबको बैठा के ले जाते हैं। ये भी बात क्लियर होनी चाहिए ना, सबको बैठा के ले जाते हैं, वोट भी डलवाते हैं, पंजे भी डलवा रहे हैं जी। नहीं नहीं, वो तो सेकेंडरी बात है ना, देखो वो तो, हाँ नहीं नहीं, अगर कोई बंदा ये कहता है, देखिए अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं वोट डालने जाना चाहता हूँ, वो तो बात अच्छी बात है, बताता है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा आता है जो कहता है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, मेरी मदद को, उसकी मदद कर रहे हो, उसी की करोगे जो पंजे में डालेगा, गोद में उठा के ले जा रहे हैं, उसकी भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। धर्मपाल बोल रहा हूँ, 128 बूथ नंबर से जी, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता जी। अच्छा जी। और हमारे मुद्दे तो यही है जी, महंगाई जो दूसरी सरकार ने कर रखी है, हाँ जी, उस पर जब हमारी सरकार आएगी तो हम महंगाई पे विशेष ध्यान रखेंगे जी, बेरोजगारों को जो रोजगार मिलना चाहिए, जो नवयुवकों को, जो नवयुवक, जो हमारे नवयुवक है। अच्छा, मुझे ये लिखे, आपने बहुत अच्छी बात की जी, आपने विचार दिल के रखे जी, सिर्फ एक प्रश्न पूछेंगे जी, सिर्फ एक प्रश्न जी, क्यों राहुल जी भी आए थे उधर, उनसे भी पूछा था जी। आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? निष्पक्ष होकर बताना, निष्पक्ष होकर बताना बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव सवाल मैंने किया आपसे। मैंने जी जी जी, देखो कांग्रेस का उम्मीदवार बनेगा, सेवा कर रहे हैं पार्टी के लिए, उन्होंने जो घोषणा पत्र जाहिर करा है, पेश करा है जनता में, जनता उनसे बहुत खुश है। अच्छा। और इसलिए कांग्रेस आने की पूरी लहर है हरियाणा पंजाब में, और कांग्रेस आएगी। अच्छा जी। लोग 100% कहते हैं, मैं कहता हूँ 500% आएगी।